जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा, ये बात बहुत सच है। तो दोस्तों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से, और आज जो है ये वीडियो मोटिवेशन की वीडियो होने वाली है, और मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेटा AIC, A फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और I फॉर लॉ ऑफ इग्नोरेंस, और C फॉर लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ पर बेटा हम तीनों टर्मोलॉजी को डिस्कस करेंगे बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेटा हम इस तरह से जानने की कोशिश करते हैं कि यदि आप जो चाहोगे, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो या बिल्कुल आप पुअर स्टूडेंट हो और आप टॉपर बनना चाहते हो, तो बस पहले तो आप एक चीज सोचो। देखो, ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कहूंगा, मैंने एक डायरी बना रखी है बेटा, तो आप लोगों ने बहुत लोगों से भी सुना होगा कि डायरी का क्या यूज होता है। आप एक डायरी बनाओ, उसमें जो भी आपके सपने हैं, ठीक है, वो एक बार उतार दो उसमें। तो ये चीज मैंने भी करी थी बेटा जून के महीने में, जो भी मुझे चाहिए था मैंने उस डायरी में उतार दिया, और आज दिसंबर का महीना चल रहा है तो करीबन 6 महीने के आसपास मैंने जो चीजें डायरी में लिखी थी वो सारी की सारी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं। तो इसको मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जो चाहते हैं, जो भी लाइफ में क्रिएट होना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, या जिस भी चीज को आप चाहते हैं, चाहे आप गर्लफ्रेंड चाह रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई चाह रहे हैं, चाहे आप टॉपर बनना चाह रहे हैं, चाहे आप मम्मी पापा का मतलब लाडला बच्चा बनना चाह रहे हैं, मतलब कुछ भी आप जो चाहते हो, बस एक बार वो उसको लिख दो। क्योंकि बेटा क्या होता है, जब भी आप ये चीजें करते हो, क्योंकि आप जब मन में सोच रहे होते हो तो वो चीज अलग होती है, जब आप उसे कॉपी पेन में डाल देते हो, कॉपी पेन का यूज करके जब उसमें आप लिख देते हो, तो क्या होता है बेटा, आपके माइंड से कुछ फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं जो पूरे नेचर को बता रही है कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो क्या होता है कि सारी चीजें जो होती है उसी तरह से क्रिएट हो जाती है कि भाई वो चीज आपको मिलनी ही है। हाँ, वक्त जरूर लगता है लेकिन चीजें जरूर मिलती है। तो इस तरह से मैंने एक कहानी सुनी थी बेटा, बहुत अच्छी कहानी है, कि भाई एक जो है जॉब करता हुआ इंसान था, और उसको उसकी जॉब में कुछ ऐसा था कि उसको हर साल में जो है घर चेंज करना होता था। उसने क्या किया बेटा, उसको पेंटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, तो उसने जो है अपने सपनों का घर उस पेंटिंग में बना दिया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, मुझे स्विमिंग पूल होना चाहिए, कि मेरे पास बालकनी होनी चाहिए, दुनिया भर की चीजें होती हैं वो उसने पेंटिंग में बना दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि 5 साल बाद उसके उसने कई घर चेंज करे, और बहुत अच्छी कहानी है बेटा, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस कहानी से। तो आप लोग भी सुनो इसको, जिन लोगों ने देखी होगी, जिन्होंने सुनी होगी तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए एक अच्छे से इंस्पिरेशन हो जाएगी। तो क्या होता है उस टाइम पे बेटा कि जो इंसान होता है वो अपने सपनों का घर जब पेंटिंग में बना देता है, उसको बंद करके रख देता है, और उसको वो रोज देखता है कि हाँ भी मेरा घर ऐसा होना चाहिए था। जो उसकी जॉब प्रोफाइल थी उसमें क्या होता है, हर साल उसको घर चेंज करना होता था, ठीक है। तो एक टाइम जो है वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, और 5 साल बीत चुके थे इस बात को, और जो है उसके बाद उसका बेटा जो है उसने नया घर चेंज करा था, बेटा उसका कार्डबोर्ड जो थे वहां पर कार्टून टाइप रखा हुआ था, उसमें पैर मारकर वो खेल रहा था, और बच्चा जो इंसान था वो परेशान हो जाता है कि बेटा आप क्या कर रहे हो, इस पर मुझे परेशान मत करो, मुझे अपना काम करने दो। तो होता क्या है बेटा, वो कहता है डैडी डैडी मुझे इसमें जानना है कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो होता क्या है बेटा, वो कहता है नहीं कुछ नहीं, पुराना स्टफ है, पुराना सामान रखा हुआ है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। लेकिन बच्चा जो है जिद करने लग जाता है, नहीं नहीं डैडी मुझे बताओ उसमें क्या रखा हुआ है। तो जब उसको मतलब जब उसको खोल के देखता है, तो वो देखता है कि उसके पास एक सीनरी थी जो उसने पेंटिंग करी हुई थी, और वो उसको बाहर ले जाकर देखता है, तो जो जिस घर में वो रह रहा था, जो उसने नया घर खरीदा था, वो एक्चुअल में बेटा वही घर था जो उसने 5 साल पहले अपनी पेंटिंग में बनाया था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये ताकत होती है, आप शिद्दत से कोई भी चीज चाहोगे वो आपको मिल जाएगी। अगर बात करी जा रही है बेटा आपसे स्टडी लेवल पे कि भाई आप स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज किस तरह से वो करेंगे, देखो जो चीज है मैं ये कहता हूं कि भाई अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको हमेशा मैं हमेशा वीडियो में एक बात हमेशा कहता हूं कि आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो उसको इस तरह से पढ़ने की कोशिश करो कि वो टॉपर कोई भी टॉपर होगा वो उस टॉपिक को पर्टिकुलर कैसे पढ़ रहा हो, ठीक है। तो आप उसमें सारी चीजें जानने की कोशिश करो, थोड़ा सा समय दो बेटा पढ़ाई को, क्योंकि अगर आप पढ़ाई को टाइम नहीं दोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आप अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई सब कुछ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पढ़ोगे तभी क्या नाम है बहुत बड़े आदमी या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो टाइम है ये जो है आपको वो नॉलेज देता रहेगा कि आपका माइंड जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक है। पढ़ाई सब कुछ नहीं है ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि पढ़ाई से ही आप अमीर बनोगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, अंगूठा छाप लोग भी क्या नाम है आज अमीर हैं। तो दूसरी बात क्या है, अगर बात करी जा रही है बेटा कि इग्नोरेंस की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये इग्नोरेंस। क्या है लॉ ऑफ इग्नोरेंस, अगर मैं बात करूं आपसे 4 लोग हैं,
आपने जो है कोई नया काम खोला या नया नई चीज आप करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, कई लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने भी YouTube पर वीडियो बनानी शुरू करी थी तो हमारी भी कम व्यूज आ रही हैं, अब भी आ रही हैं। जब आप कोई भी नया काम करते हो तो चार लोग बेटा कहने वाले हो जाते हैं कि भाई अरे आपके क्या YouTube पे व्यूज आएंगे, या आप क्या YouTube पर ग्रो कर जाओगे, या बच्चा जो है पढ़ने लग जाता है तो मम्मी पापा या फिर कोई भी यार दोस्त भी कहेगा अरे पढ़ने लग गया बेटा। तो ये चीजें क्या है, आपको इग्नोर करनी है। या मतलब रिश्तेदार, सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि रिश्तेदार सबसे ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा मैं, ठीक है। तो इस चीज पर ज्यादा फोकस करो कि आपसे कोई भी चीज कही जा रही है, ठीक है। तो जो आपके काम की है उसको तो ले लो बेटा, और बाकी जो आपके काम की नहीं है उसको तो बेटा फेंक ही दो। जैसे बहुत अच्छा बुद्ध ने कहा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई उनको गाली देके जाता है, ठीक है। तो कोई उनको गाली दे रहा है तो क्या होता है, वो उससे कहते हैं कि मैंने आपकी गाली नहीं ली, ठीक है। अगर मैंने वो गाली नहीं ली तो वो गाली किसके पास रहेगी, आपके पास रहेगी। इसी तरह से कोई भी इंसान अगर कोई बात कहता है आपसे, ठीक है, जो आपके लिए अच्छी है तो वो आप ले लो, और जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपको डिमोटिवेट कर रही है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेकार साबित होने वाली है, तो आप बेटा उसको माइंड में ना रखें, इग्नोर करना शुरू कर दे। क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हो तो इग्नोर में बेटा इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं आपको पता है आप सही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, जो है अगर आप किसी की बातों में आके जो है अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं तो फिर तो ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि बेटा बड़े लोग, महान लोग वही बनते हैं जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं, ठीक है। तो जो दूसरों का देख देख कर या दूसरों के पीछे पीछे चलते रहते हैं, वो कहीं कहीं थोड़े बहुत सक्सेस होते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपना रास्ता खुद चुने। जो भी आप लाइफ में बनना चाहते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, या पढ़ाई में बहुत अच्छा वो करने वाले हैं। एक मेरे टाइम पर जब मैं 10th क्लास में था बेटा, मेरा एक टीचर था और उसने जो है मुझसे हमेशा एक बात कही थी कि हृदेश बेटा अगर डीट हमारे यहाँ पर बेटा पॉटी को बोलते हैं, ठीक है, तो अगर डीट खानी है तो चिड़िया की नहीं हाथी की खाओ। चिड़िया की इन द सेंस की मतलब वो छोटी करेगी, और हाथी का गोबर जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को बेटा कि भाई कुछ काम करना है तो ऐसा करो कि बहुत बड़ा काम करना है, ऐसा नहीं कि हमें बीच में रह जाना है, ठीक है। डीट अगर खानी है, मतलब अगर पढ़ाई करनी है तो ऐसी पढ़ाई करनी है हमें कि भाई हमसे ज्यादा कोई होशियार नहीं होना चाहिए। या फिर क्या नाम है, अगर आपसे कही जा रही है कि भाई क्या नाम है जो है गुंडागर्दी करनी है, तो गुंडागर्दी ऐसी करनी है कि भाई जो है आपके एरिया में आपसे बड़ा कोई गुंडा नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज पर खास तौर से ध्यान रखो, बीच की चीजें बेटा मत रखो। बीच में रहोगे तो जिंदगी में कभी अच्छे नहीं बन पाओगे और ना ही कभी बेकार हो पाओगे। और बीच के लोग जो होते हैं बेटा वो सिर्फ अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है बेटा। अगर बात करी जा रही है बेटा कंसिस्टेंसी की, बहुत ज्यादा पावर है। आप लोगों ने कहीं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से ये वाली बात सुनी होगी, कंसिस्टेंसी क्या है। ये कंसिस्टेंसी होता है बेटा, देखो ये जो है लाइफ से, लाइफ एक्सपीरियंस से मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा। मेरे पापा कहते हैं कि भाई जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, कुआं से रस्सी से जो है पानी खींचा जाता था, तो रस्सी एक्चुअल में अगर प्रैक्टिकली बात करी जा रही है तो वो रस्सी जो है पत्थर को नहीं काट सकती। लेकिन क्या होता है, साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल बाद क्या होता है, जब वो बार बार जो है रस्सी को खींचा जाता है, फेंका जाता है, खींचा जाता है, फेंका जाता है, तो वो क्या होता है बेटा, वहां पर वो गड्ढा सा होने लग जाता है। तो मतलब कि जो रस्सी है, जो कुछ भी नहीं है, इतनी निर्बल है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकती, पत्थर का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन लगातार प्रयास करते करते वो क्या कर देती है, जो पत्थर होता है उसमें क्या है, गड्ढा कर देती है। इसी तरह से अगर आप लोगों को देखा, आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा कि जो नल होता है या फिर कहीं पर भी पानी अगर नीचे टप टप करता चला जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, पानी जो है पत्थर में गड्ढा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत टाइम से अगर पानी गिर रहा है तो उस एरिया में देखा होगा आपने छोटा सा गड्ढा हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात कही है कि कहीं पर भी आप कहीं पर भी बैठे हो या किसी से सीख रहे हो, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, ठीक है, अपना दिमाग जो है खाली करके बैठो। क्या है इसका मतलब कि जैसे अगर मान लो बाल्टी बेटा खाली है, मैंने पिछले लास्ट वीडियो में भी ये एग्जांपल दिया था, अगर बाल्टी खाली है बेटा तो क्या होगा कि आप उसमें पानी भर सकते हो, लेकिन अगर बाल्टी जो है भरी हुई है क्या आप पानी उसमें और भर पाओगे, पानी वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे ही इसी प्रकार से क्या होगा, यदि आप किसी के पास बैठने जा रहे हो या किसी से बड़े बूढ़े के पास बैठे हो, टीचर के पास बैठे हो, मम्मी पापा के पास बैठे हो, भाई बहन के साथ बैठे हुए हो, दोस्त यार के साथ बैठे हुए हो, तो अपना दिमाग हमेशा खाली रखें, बोले काम। क्योंकि बहुत अच्छी बात है कि हम जब बोलते हैं जो चीज हमें पता होती है,
लेकिन हम जब चुप होते हैं तो हम वो चीज सुन रहे होते हैं जो हमें नहीं पता होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, चुप रहने की कोशिश करो, क्योंकि आपको अगर आप ज्यादा से ज्यादा बोलोगे तो इंसान ज्यादा से ज्यादा जब ही बोलता है जब उसको वो चीज पता होती है, ठीक है, और चुप कब होता है जब जो चीज उसको नहीं पता होती है। तो हमारा इस टाइम पर जो एक मतलब स्टेज है, ऐसा समझ लो हमारी स्टेज जो है बेटा वो सीखने की है, ना कि अभी किसी को सिखाने की है, ठीक है। तो कोशिश करें हमेशा चुप रहने की कोशिश करें। इन तीनों को AIC को आप बेटा याद करें और लाइफ में इन चीजों को उतारेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा सफलता, मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा बड़ा प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं कह रहा मैं आपसे, मैं कह रहा हूँ आप 3 महीने इन तीनों चीजों पर फोकस करके देखें। AIC नहीं, अगर जो है बेटा आपकी लाइफ में चेंज नहीं आया तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप 3 महीने में करके देखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इग्नोरेंस और कंसिस्टेंसी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेटा एक बार शॉर्ट में मैं डिटेल में शॉर्ट में बता देता हूँ क्या, कि जो आप चाह रहे हो, ठीक है, लाइफ में जो भी करना चाह रहे हो आप उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दो। जैसे टॉपर हो, टॉपर बन के घूमना शुरू कर दो कि हाँ भाई मैं क्लास में टॉपर हूँ, मुझे ये भी आता है, टीचर ने ये लिखा मुझे आता है, चाहे ना नहीं आता हो, लेकिन आप क्या करोगे घर पे जाके फटाफट से जो टीचर ने बताया हुआ है एकदम से वो कर लोगे घर पे जाके। तो क्या होगा, कल को अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि भाई ये तो बहुत एटीट्यूड में घूम रहा था, ठीक है, क्या ये चीज आती है, हाँ, तो क्योंकि मैंने घर पर जाके प्रैक्टिस कर ली और वो चीज मुझे आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से करना शुरू करो आप लोग, बेटा जो चीज चाहोगे वो आपको मिलेगा, गारंटी है इस चीज की। टाइम, इस वाली जो प्रोसेस है ना, इसमें बेटा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है लेकिन वो चीज आपको मिलती है। ये दोनों जो है बेटा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंसिस्टेंसी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो है चाहते रहो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट चाहते रहो और चीज आपको जरूर मिलेगी, कुछ भी चाहो, ठीक है। और बात करें इग्नोरेंस की, तो इग्नोरेंस बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, किसी दूसरे ने कोई बात कही और अपने माइंड पर ले लेते हैं, क्या किसने आपको अधिकार दिया है कि आप जो है किसी की बात जो है सुन के अपना मूड खराब कर दें, ठीक है। तो इस चीजों पे बेटा जो है फोकस करें, इग्नोरेंस बहुत बड़ी ताकत है, इग्नोरेंस पे ध्यान रखें, हर चीज इग्नोरेंस इग्नोर करने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं है कि बेटा टीचर कह रहा है कुछ कहे जा रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। बात कही जा रही है, जो गलत बात है, जो मतलब यार दोस्त चिढ़ रहे हैं आपसे या फिर क्या नाम है जो है आपके लिए अच्छी नहीं है, उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करें, ठीक है। जहां से आपको ज्ञान मिल रहा है वो तो आपको करना ही करना है, वो तो ग्रहण करना ही करना है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेटा जो निगेटिव थॉट्स हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनको आप इग्नोर करना शुरू कर दें, ठीक है। कंसिस्टेंसी की बात करी जा रही है, तो बस आप एक काम ये करें, अगर मैं जो है प्रैक्टिकली आप लोगों से कहूँ तो एक काम ये करके देखें, आप 3 या 4 दिन या 5 या 6 दिन रोज 15 से 20 मिनट ना जबरदस्ती है, नहीं मन करता है आपका पढ़ने का तो 15 से 20 मिनट जो है रोज 1 हफ्ते पढ़ के देखें। जैसे 7 दिन बीतेंगे बेटा 8वां दिन ना जो है अपने आप ही आपका पढ़ने का मन कर जाएगा, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इस चीज को आप समझें कि भाई क्या नाम है, रेगुलरिटी लेके आए अपने अंदर, रेगुलरिटी जैसे लेके आएंगे वैसे आपकी चीजें जो है बहुत ज्यादा सुधरने लग जाएंगी, आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा चेंज आने शुरू हो जाएंगे और आपको भी एक अंदर से बहुत अच्छा सा फील लगेगा, ठीक है। तो ये तो थी बेटा आज की जो है हमारी AIC, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो अगर जो है वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और राधे राधे।